नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे न्यूज। लखनऊ पश्चिम से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अरमान खान ने पत्रकारों से बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए अरमान खान ने अपनी पार्टी के कामों को गिनाया और भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादों की बात की। आइए विस्तार से सुनते हैं पत्रकारों से वार्ता के समय क्या बोले अरमान खान। दस मार्च 2022 को जो परिणाम आएंगे निश्चित तौर पे इस बात को साबित करेगा कि जिन प्रतिनिधियों ने जनता की उपेक्षा की, जनता के दुख सुख में ध्यान नहीं रखा, उनकी मुश्किलों में परेशानियों में उनके साथ खड़े नहीं रहे, जनता उनको हराने का कार्य करेगी और एक सच्चा जनसेवक चुनने का कार्य करेगी। लेकिन लखनऊ पश्चिम में और पूरे उत्तर प्रदेश में जी जो विकास के दावे, खोखले दावे इस सरकार ने किए हैं, उसका सच सत्य आप सबको अभी बात में पता है। निश्चित तौर पे जनता त्रस्त है और कई तरह की तकलीफों और कष्टों का सामना कर रही है। जनता के कष्टों का निवारण करना वो हम लोग का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है और निश्चित तौर पे इसके लिए हम लोग यहाँ पर ईमानदारी से कार्य करेंगे। इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं तो शुद्ध पेयजल की समस्या, ट्यूबलाइट की समस्या, साफ सफाई की कमी की व्यवस्था की कमी है, ये समस्या है। साथ साथ अच्छे दर्ज डिग्री कॉलेज का अभाव है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का ट्रामा सेंटर का अभाव है, अच्छी खेल सुविधाओं का अभाव है, साथ साथ यहाँ जो अच्छी चौड़ी सड़कों की कमी है, इन सब चीज़ें के ऊपर हम लोगों को मिल करके जनता के साथ जनता से कोई अपील करना चाहेंगे। मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा और निवेदन भी करना चाहूँगा कि चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समाज के हो, आप ये भेदभाव संतर से ऊपर उठ करके जनहित में इस विधानसभा के हित में एक सही और सच्चा निर्णय ले और समाजवादी पार्टी की सरकार लखनऊ पश्चिम में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि चुनने का कार्य करे, साइकिल का बटन दबाए। साथ साथ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास आप करेंगे उसका हम लोग पूरा कायदे से ख्याल रखेंगे, सहज कर रखेंगे और उस विश्वास को कभी तोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। जितना प्रेम, जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद यहाँ की जनता हमें देगी उसका चौगुना करके हम लोग वापस करने का कार्य करेंगे। अरमान खान अपने विचारों और बातों से जनता को कितना लुभा पाए हैं ये तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा। चुनाव व अन्य खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे न्यूज़।